अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं नगर निगम सहारनपुर के वार्ड 63 में गली नंबर 8, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है कांग्रेस जनों से। और यहां पर मेरठ मंडल के कांग्रेस के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व महामंत्री चौधरी सुशील साहब मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल के सहारनपुर जिला अध्यक्ष काजी यूनुस सिद्दीकी और हाजी जिशान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात करेंगे कि आज यहाँ पर आने का आपका विषय क्या रहा है और कांग्रेस आज देश के अंदर जो चल रहे हैं माहौल पर विपक्ष की भूमिका निभा रही है या नहीं निभा रही है। जितने हालात आज देश के अंदर आ रहे हैं, कत्लेआम के दौर चल रहे हैं, मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से सड़कों पर उतर के निभा रही है या नहीं निभा रही है, चौधरी सुशील साहब से जानना चाहिए। आज देश के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यही चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष खत्म हो। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस विहीन मैं देश लाऊंगा, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान के विपक्ष को खत्म करना चाहता है। साथियों, आज देश बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। GDP जो है वो -0.23 पर पहुंच गई है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज साथियों, देश के अंदर जिस तरह से दंगे, जिस तरह से आज अराजकता फैल रही है, ये उनकी गलत नीतियों का कारण है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से नोटबंदी कर दी गई, कोई प्लानिंग नहीं हुई। आप हिंदुस्तान और दूसरे देश के साथ आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास हथियार है नहीं। आपने किसी विपक्ष के नेता से, प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी थी तो जब भी देश के अंदर कोई समस्या पैदा होती थी तो वो चौधरी चरण सिंह को बुलाकर उनसे मंत्रणा करती थी, उसके बाद कोई नियम लागू करती थी। आज ये देश ये इतने ज़्यादा गुरूर में है, इतने ज़्यादा घमंडी है कि ये देश के किसी भी विपक्ष के नेता से कोई सलाह करने। चौधरी सुशील साहब, हम जानना चाहेंगे, आप जनपद सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं और आपके जनपद सहारनपुर कस्बा नानोत्ता के अखलाक सलमानी के साथ जो पानीपत में घटना घटी है, बेरहमी से पीटा गया है, हाथ काट दिया गया है, बल्कि उसको रेल की पटरी पे ला के डाल दिया गया और ये समझ के छोड़ गए कि ये मृत्यु हो गया, मर गया है, तो कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर इतनी बड़ी घटना की लड़ाई को लड़ने का काम क्यों नहीं किया? साथियों, आज जिस तरह के आपने जो ये घटना के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे क्षेत्र के नेता जो वहाँ पर उपस्थित थे, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया, वो कांग्रेस के लोग ही हैं। और अभी आज मैंने देखा, नाम बताइए आप एक का। जैसे कि हमारे वो वार्ड के वो थे ना, क्या नाम उनका, वो जो नगर पालिका के चेयरमैन है, नाम दिमाग से उतर रहा है, नाम ध्यान नहीं है। ये लोग हैं और भी लोग हैं जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया। और अभी आपने देखा होगा कि आज वही लोग गए थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि रेल की पटरी पर उनका हाथ पड़ा है, कि वो उन्हीं का ही है, हाजी अखलाक का। तो ये सब चीज़ आज देश के अंदर जो हालात पैदा हुई है, ये बहुत ही दयनीय है और ना इनकी कोई समझ में आ रहा, ना इनके पास इसको कंट्रोल करने के लिए शक्ति है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे काजी यूनुस सिद्दीकी साहब से कि काजी यूनुस सिद्दीकी साहब, आप व्यापार मंडल के जनपद सहारनपुर जिला अध्यक्ष हैं, अखलाक सलमानी साहब के साथ जो घटना घटी है, क्या आपने उसका संज्ञान लिया है, उसमें कुछ हिस्सा लिया है, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है? जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस के अंदर न्यू हूँ, मैंने इसके बारे में हमारे सांसद MP साहब से भी बात की थी कि MP साहब, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे कि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, हम लोग इस बात पे हमारे साथ ही विचार कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम भी है मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाने के लिए सभी ने, और कांग्रेस के लोग वहाँ पर गए पहुँचे, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, तो दर्द और पीड़ा तो हम सभी लोगों की रखते हैं और इनकी आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक नाई धसन वहाँ पर पहुँचे हैं, सहारनपुर लोकसभा के सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब वहाँ पर पहुँचे, कांग्रेस का कोई नेता वहाँ दिखाई नहीं दिया, इसकी वजह क्या रही है? क्योंकि अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, कल बात हो रही थी तो वो आज शायद वहाँ पहुँचे, आज उन्होंने वहाँ के लोगों से मंत्रणा करके
इस मामले में प्रशासन से मिलने का प्रोग्राम बनाया और बनाया, और मैं भी रहूँगा साथ। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, ये भी साथ हैं, ये भी हमारी ये बात कर रहे थे राणा जी, विक्रम सिंह राणा। तो ये सब अभी हम एक कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि ये एक अखलाक की बात नहीं है। हिंदू सहारनपुर के अंदर ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिनकी आप जिक्र करेंगे तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, क्योंकि ये प्रदेश के अंदर अब शासन नहीं चल रहा, अराजकता चल रही है। अभी एक ही घटना पर बात हुई है, कांग्रेस इन घटनाओं को लेकर सीरियस नहीं है, इसमें कोई दोराई नहीं है। देश के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो अध्यक्ष कांग्रेस लाई है अजय कुमार लल्लू जी, उनके नेतृत्व में काम विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जनपद सहारनपुर में इतने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता होने के बाद उस बच्चे की लड़ाई को लड़ने का काम सड़क पर आके किसी ने नहीं किया। और बात करेंगे इस पर कि आज चौधरी सुशील साहब को इन मुस्लिम क्षेत्रों में वार्ड 61 हो, वार्ड 67 हो, आज वार्ड 63 में काजी यूनुस सिद्दीकी साहब द्वारा बुलाया जाता है, रात भर भी आप आते हैं, जनता की समस्याओं को आप किस तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जनता की कोई भी समस्या हो, इस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हुई। यूनुस सिद्दीकी जी ने रात को 12 बजे हमें फोन किया कि जी आज यहाँ ये घटना घट गई, आज ये घटना घट गई, आज आज बिल्कुल कोई निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, इसको आज पुलिस पकड़ के लेगी। कि साहब ये तो लॉकडाउन में भी ऐसा ही हुआ, उसके बाद भी ऐसा ही हुआ। तो हमने क्षेत्र के कोतवाल से बात करी और उसको तुरंत बेइज्जत वहाँ से हमने छुड़वाया। तो इस तरह का संघर्ष यूनुस भाई कर रहे हैं, और उसी माध्यम से अगर क्षेत्र के लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार होगा उसे कांग्रेस पर दाखिल। और पत्रकार बंधु, आवाज़ उठाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, किसी एक मसले में पूरे शहर के नेता या पूरे ज़िले के नेता, पूरी दुनिया के नेता तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने मेरे पूरे ग्रुप ने, पूरी टीम ने पूरी आवाज़ उठाई है। आप पोस्ट चेक करें, मैं आपको बता रहा हूँ, यूनुस सिद्दीकी के नाम से मेरी आईडी है, हमने उसमें जितनी आवाज़ उठाई आप चेक करें उसको। आवाज़ उठाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके से उसकी आवाज़ उठाई। संबंधित अधिकारियों से मिलना बेहद ज़रूरी होता है जनप्रतिनिधियों के लिए। जिला अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसे आवाज़ तो बहुत लोग उठाते हैं और सोशल मीडिया का सहारा लोग ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बड़े चैनल तो जो है सच्चाई को दिखा नहीं रहे, छोटे छोटे पोर्टल, हम जैसे लोग आप लोगों की न्यूज़ को चलाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन अखलाक की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। वो बेसहारा है, उसके साथ जुल्म हुआ है पानीपत के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मिनट, आज हमने किसानों की जो आवाज़ उठाई है, डिप्टी सीसी का घेराव किया है, उसके पहले हमने जिलाधिकारी का घेराव किया था। तो ये चीनी मिल गांगनोली सिर्फ 4 दिन का पेमेंट देता था एक महीने में, हमने एक महीने में 30 दिन का पेमेंट दिलवाएंगे। 15 दिन का हमने अपने दबाव में घेराव करके 15 दिन का दिलवा दिया, 15 दिन का इसी महीने में और दिलवा के छोड़ेंगे। तो ऐसे हमने आंदोलन किया, कितने किसानों का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज हम आए थे सहारनपुर नगर निगम वार्ड 63 में, गली नंबर 8, जहां पर हमारी मुलाकात कांग्रेस के लोगों से हुई है। मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज न्यूज, और हमारे साथ में हमारे सहयोगी आस मोहम्मद नानोता, उप संपादक सुनो जनता की आवाज न्यूज सहारनपुर।